जनगणना को शीघ्र पूरा कराना चाहती। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से हमें जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति मिल जाएगी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जातीय गणना को लेकर जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है अगली सुनवाई के लिए। हालांकि बिहार सरकार को बड़ी झटका भी लगा, और लेकिन बिहार सरकार रिपिटिशन भी दायर किया, उन्होंने ये कहा। और इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर आज कह दिया है कि हमें ये नहीं मालूम कि आखिर क्यों जातीय गणना पर रोक लगाया गया। उन्होंने ये कहा कि सबकी सहमति से और बिहार की जनता के लिए ही ये किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा आशा है कि वो हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे और नीतीश कुमार की यह मिशन को बिहार सरकार जरूर कराएगी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चल रही है अभी तक जो जाति आधारित गणना के लिए जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो तो वैसे भी सुरक्षित ही है, और सरकार इस गणना को शीघ्र पूरा कराना चाहती थी भी और चाहती है भी, लेकिन उच्च न्यायालय का आदेश है इसको स्थगित रखने का, तो अभी स्थगित किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले तो उसी कोर्ट से कहा गया कि आप फाइनल जजमेंट दे दीजिए, उन्होंने नहीं माना, तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को सरकार ले गई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से हमें जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति मिल जाएगी। वो इसलिए कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसमें कई तरह की बात है, जैसे वो दोनों बात कह रहे हैं कि इसमें आप वही सारे चीज या आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं जो आम जनगणना में ली जाती है, आप वो आदेश पढ़िएगा उसमें ये भी लिखें। तो सवाल है कि आम जनगणना में जो आंकड़े या जो सूचनाएं सरकार संग्रहित करती है और उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है और लोगों की कोई गोपनीय सूचना सार्वजनिक नहीं हो पाती है, तो वही सूचना अगर जाति आधारित गणना के लिए एकत्रित की जाएगी तो उससे निजता का अधिकार का कैसे हनन हो जाएगा, और उसमें क्या पूछा जाता है, पिता का नाम, पति का नाम, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आपका पेशा क्या है, आमदनी क्या है, इसमें कौन सी ऐसी एकदम से गोपनीय सूचना है, ये तो आम सूचनाएं हैं। और उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि ये सभी सूचनाएं वैसी ही हैं जैसी जनगणना में ली जाती हैं, तो जनगणना में ली गई सूचना और वो सब सार्वजनिक होती है, तो अगर उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है तो फिर राज्य सरकार वही सूचना लेती है तो उसे निजता के अधिकार का हनन कैसे होगा। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि विधानमंडल ने अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तो उसने कानून क्यों नहीं बनाया। दूसरी तरफ उसी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ऐसा कानून बना। अब इस पर तो उच्चतम न्यायालय देखेगा कि एक साथ दोनों बातें कैसे हो सकती है, कि विधानसभा या विधानमंडल को अधिकार भी नहीं है और दूसरी तरफ ये प्रश्न भी है कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने
सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें आशा है कि जिस तरीके से याचिका जो दायर किया गया था और पटना हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया गया, अब सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आशा है कि वो हमारी बात को सुने, हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे और उसके बाद जो है बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जरूर कराएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।